everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीके एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास जो है वो 37 क्लास है. ऑलरेडी हम 36 क्लासेस कर चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड डन बिफोर. एंड जो भी अब तक हमने 36 क्लास किया है उसमें हमने 390 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है. आज जो करेंगे वो 391 करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करो. स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 391. एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इन विच कंट्री अर्थक्वेक अकर्स लेस. ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें अर्थक्वेक भूकंप जो है वो सबसे कम आता है. एंड दैट द आंसर इज़ योर इंडिया. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें भूकंप सबसे कम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 392. व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ पैरेंट ऑफ पीएम मोदी. पीएम मोदी जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके माँ बाप का क्या नाम है. सो द फादर नेम इज़ दामोदर दास मूलचंद मोदी. एंड जो उनकी मॉम है उनका नाम है हीराबेन मोदी. ओके, सो दीज आर द नेम ऑफ द पेरेंट ऑफ पीएम मोदी. दिस इज़ द नेम ऑफ द फादर एंड दिस इज़ द नेम ऑफ योर ऑफ हिज मदर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 293. इन यूट्यूब विच चैनल हैज़ मोर सब्सक्राइबर, और यू कैन से इन यूट्यूब विच चैनल हैज़ अ हाईएस्ट सब्सक्राइबर. तो यूट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर हैं वो कौन सा चैनल है. दैट इज़ टी सीरीज़ चैनल है जिसमें 111 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं. तो टी सीरीज़ चैनल जो हो उसमें 111 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं. And hopefully we were going on that trend only. So next, moving on with question number 394. What is the age of a snake could be? एक सांप की उम्र कितनी हो सकती है. And that is the age 10 to 25 years. 10 साल से 25 साल तक की एक सांप की उम्र हो सकती है. ये डिपेंड करता है वो किस टाइप का सांप है, किस टाइप का किस टाइप का है. तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रजातियों से वो है बिलोंग करता है. तो उसके हिसाब से उसकी उम्र भी डिसाइड होती है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 395. हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. सबसे पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. सबसे पहली महिला जो है वो जनको तबाय थी, जो कि जापान की थी. जनको तबाय ये जापान की थी. और हमारी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो बछेंद्री पाल जो है वो हमारे इंडिया की थी पहली वुमेन जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट. ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 296. ओके फुल फॉर्म, तो ओके का फुल फॉर्म क्या होता है. नॉर्मली हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ओके. सो ओके का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्शन किल्ड. ऑब्जेक्शन किल्ड होता है, पर बहुत से लोगों को लगता है कि जो हम लोग ओके बोलते हैं वो इस ओके का शॉर्ट फॉर्म ओके होता है, बट ऐसा नहीं है. ओके का फुल फॉर्म ऑब्जेक्शन किल्ड होता है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 397. इन वर्ल्ड विच कंट्री हैज नो सिनेमा हॉल. तो ऐसा कौन सा, दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके देश में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है. एंड द कंट्री नेम इज़ भूटान. भूटान एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 398. सो द 398 क्वेश्चन, व्हेन वॉज जीजस क्राइस्ट वॉज हैंग. जो जीजस क्राइस्ट जो थे उनको कब सूली पे लटकाया गया था, कब हैंग हुए थे. दैट इज 7 April AD 30 ऑन फ्राइडे का दिन था. 7 April 30 AD था, तो तब उनको हैंग किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 399. व्हाट वी कॉल क्रिकेट इन हिंदी. हिंदी में हम क्रिकेट को क्या कहते हैं. गेंद और बल्ला कहते हैं. गोल गट्ठम लकड़पट्ठम भी कहते हैं. एंड दे दनादन प्रतियोगिता भी हम क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं. सो ऑल दिस हमने अभी तक 399 क्वेश्चंस कर लिया है. प्लीज़ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू कर लो, बिकॉज दैट ऑल आर इम्पॉर्टेंट. थैंक यू, होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.